नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब के कुछ ऐसे कलाम गीतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। यूं तो दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब ने ऐसे बहुत सारे कलाम गीत हैं जिन गीतों को अपनी आवाज़ दिए हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे इस चुनिंदा कलाम गीतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इन कलाम गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार गजनफर अली खान साहब ने दिया है। बहुत ही जबरदस्त संगीत दिया है दोस्तों, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और एल्बम है दास्ताएं करबला। यूं तो दोस्तों, गजनफर अली खान साहब ने दास्ताएं करबला अलग अलग पार्ट में बनाए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा कलाम गीतों को लेकर आया हूं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और ये सभी कलाम गीत जो है वो आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले नंबर पे हैं कल्बे मोमिन में वफा बन के यूं जलता है चराग। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है और बहुत ही बढ़िया संगीत गजनफर अली खान साहब ने दिया है। कल्बे मोमिन में वफा बन के यूं जलता है तो चलिए, चराग। हमारे दूसरे नंबर पे हैं आया है आलम और आलमदार ना आया। इस गीत को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। तो चलिए, हमारे तीसरे नंबर पे हैं आई जहरा की सदा। यह गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी और आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और बहुत ही अपनी दिलकश आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब ने यह कलाम गीत गाया और बहुत ही बढ़िया संगीत गजनफर अली खान साहब ने इस गीत में दी है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आई देहरा की सदा। तो चलिए, हमारे चौथे नंबर पे हैं अब करबला की गोद में। ये गीत भी आप लोगों ने सुने ही होंगे, आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज्यादा सुना जाता है और ये गीत मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब करबला की गोद में। तो चलिए दोस्तों, हमारे पांचवें नंबर पे हैं क्या शान करबला तेरी। ये गीत भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी और आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज्यादा सुना जाता है। तो चलिए, हमारे छठवें नंबर पे हैं खूने हुसैन क्या डरे जनाब की दास्तान। ये गीत भी बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी और आज भी मुहर्रम में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और बहुत ही अपनी दिलकश आवाज़ में ये गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाया और बहुत ही बढ़िया संगीत गजनफर अली खान साहब ने दिया है। और इन गीतों के साथ ही दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे मोहम्मद अजीज साहब के कलाम गीत हैं जिनमें संगीत गजनफर अली खान साहब ने दिए हैं और वो गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। दास्ताए करबला एल्बम का पार्ट वन आप लोगों ने सुने होंगे, नेट पे अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी और आज भी बहुत ही ज़्यादा मुहर्रम में सुना जाता है। और दोस्तों, बहुत ही बढ़िया संगीत जो है वो गजनफर अली खान साहब ने इस एल्बम में दी है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाए। यूं तो दोस्तों, दास्ताए करबला अलग अलग पार्ट में बना है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुहर्रम भी आने वाला है तो और आगे मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद अजीज साहब के मुहर्रम में जो गीत हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बहुत सारे कलाम गीत जो है वो मोहम्मद अजीज साहब ने गाए हैं और अगर आप उन गीतों को सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे। खास करके मुसलमान भाई जो हैं वो लोग मोहम्मद अजीज साहब के कलाम गीतों को सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे। बहुत ही अपनी ज़बरदस्त आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब ने उन एल्बमों में अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब का ये कलाम गीत जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है मोहम्मद अजीज साहब की ये कलाम गीत जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।